किसी ने क्या खूब कहा है, बुरी संगति से आप बुरे बने या नहीं, लेकिन यह तय है कि आपकी संगति आपको एक दिन नुकसान जरूर पहुंचाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि लोगों की संगति में रहने और उसके बाद साथ न रहने पर अपने जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है संगति का प्रभाव। चौधरी पहलवान का पूरा जीवन जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित हुआ था। जब उनका अंतिम समय नजदीक आया तो उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया। बेटा पास आ गया तो उन्होंने उससे कहा, देखो बेटा, मैंने अपना सारा जीवन दुनिया को शिक्षा देने में गुजार दिया, अब अपने अंतिम समय में मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले जरा तुम एक कोयला और चंदन का एक टुकड़ा उठाकर ले आओ। बेटे को पहले तो यह बड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने सोचा कि अब पिता का हुक्म है तो यह सब लाना ही होगा। उसने रसोई घर से कोयले का एक टुकड़ा उठाया, संयोग से घर में चंदन की एक छोटी लकड़ी भी मिल गई। वह दोनों को लेकर अपने पिता के पास पहुंच गया। उसे आया देख पहलवान बोले, बेटा अब इन दोनों को चीजों को नीचे फेंक दो। बेटे ने दोनों चीजें नीचे फेंक दी और हाथ धोने जाने लगा तो पहलवान बोले, जरा ठहरो बेटा, मुझे अपने हाथ तो दिखाओ। बेटे ने हाथ दिखाए तो वह उसका कोयले वाला हाथ पकड़कर बोले, देखो तुमने कोयला पकड़ते ही हाथ काला हो गया, लेकिन उसे फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में काली लगी रह गई। गलत लोगों की संगति ऐसे ही होती है, उनके साथ रहने पर भी दुख होता है और उनके न रहने पर भी जीवन भर के लिए बदनामी साथ लग जाती है। दूसरी ओर सज्जनों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह है, जो साथ रहते हैं तो दुनिया भर का ज्ञान मिलता है और उनका साथ छूटने पर भी उनके विचारों की महक जीवन भर बनी रहती है। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में ही रहना चाहिए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को मिला कि अच्छे लोगों की संगति आपको जीवन भर साथ देगी और बुरे लोगों की संगति उनके न रहने पर भी बदनामी का काम करती है। इसीलिए हम अच्छे लोगों की संगति ना भी कर पाए, लेकिन बुरे लोगों की संगति से जरूर बचें, क्योंकि अगर वो लग गई तो जीवन भर उनके साथ भी उसके बाद भी हमें दिक्कत महसूस होती रहेगी, बदनामी महसूस होती रहेगी, मिलती रहेगी। इसीलिए अच्छे लोगों की संगति हमेशा करते रहें, और अच्छे लोग न मिले तो कोई बात नहीं, कम से कम बुरे लोगों की संगति न करें। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा जो हमेशा से कहता आ रहा हूं कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां आपको सबसे पहले मिले इसके लिए प्रेस बेल आइकन।